हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर दिसंबर 2, 2018। तो 2 दिसंबर 2018 का न्यूज़ एनालिसिस देखना है अपने को। बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। हॉर्नबिल फेस्टिवल इनमें से कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन आर नागालैंड, मिजोरम, असम, मेघालय। सेकेंड क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज वेनरेटेड एज द सेकेंड बुद्धा? ऑप्शन आर पद्मसंभव, सेकेंड इज अवलोकितेश्वरा, सी इज मैत्रेय या महास्तंभ प्राप्त। दीज आर द फोर ऑप्शन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर टू, ये क्वेश्चन आया था 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का भी क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन इज द जैपनीज आर्ट इकेबाना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? द जैपनीज आर्ट ऑफ इकेबाना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन आर फ्लावर डेकोरेशन, वॉल पेंटिंग, कोरस डांस या फिर स्कल्पचर्स। तो दीज आर द थ्री क्वेश्चन फॉर यू टूडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर सेक्शन, सो डू ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन। अगर नहीं बनता तो गूगल इट आउट। ओके, तो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द फ्रंट पेज आप मेरे साथ ओपन कर सकते हैं। आज दो पेपर आते हैं, आप सबको पता है कि दिस इज संडे, देयरफॉर टू न्यूज पेपर्स ऑफ हिंदू विल कम, सेक्शन वन एंड सेक्शन टू। वी विल बी डिस्कसिंग बोथ ऑफ देम। द फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग एक्स प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. Bush डाइंग। तो याद रखेगा, डू नॉट कन्फ्यूज इट विद जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे, ही वॉज द 43rd प्रेसिडेंट ऑफ USA आई थिंक, एंड ही इज द सन ऑफ जॉर्ज H.W. Bush। तो अभी जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पिताजी यानी कि जॉर्ज H.W. Bush की डेथ हुई है, एंड ही वॉज द प्रेजिडेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ उस समय की ये प्रेजिडेंट है जॉर्ज H.W. Bush। रिमेंबर दैट, एंड ही हैज़ डाइड नाउ। सो ये इनके बारे में याद रखेगा, जॉर्ज H.W. Bush, एंड ही वॉज द 41st प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। रिमेंबर दिस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड न्यूज आइटम। This news is regarding New Delhi government reducing the weight of school bags for students. Okay, so what is happening in the Delhi government? They have passed a circular in which they have fixed the weight for the school bags. Okay, तो जो बच्चे जो school bags carry करते हैं उनका weight fix कर दिया गया है by the Delhi government. ऐसा अगर पूछा जाए तो कि which of the following states have recently fixed the weights for school bags? तो answer for that will be New Delhi. And इसके बाद मैं आपको एक बार थोड़ा weights बता देता हूँ क्या क्या है. So for class 1 and 2, the weight should not be more than 1.5 kg. For class 3 and 5, it should be 2 to 3 kg. For 6 to 7, it will be 4 kg. 8 to 9, it should be less than 4.5 kg. And for class 10, 5 kg. And there has also been a circular that there should not be any homework given to class 1 and 2 children. So 1 and 2 children will not get any homework. Now, agar aap mujhse ye puche ki why this reduction in weight is necessary, why these things have been done by the New Delhi government, kyun aisa kiya ja raha hai, to uska ek bahut simple sa reason ye hai ki heavy school bags are a serious threat to health and well-being of the school students. क्या होता है, जो school students होते हैं वो अपनी growing age में रहते हैं, they are in the growing phase. Okay, and these heavy school bags are a threat to the health and well-being of these students because it has a severe adverse physical effect. जैसे कि it might damage their vertebral column and knees. So it might damage their vertebral column and knees. This is the major impact that happens to the school going children, जो कि growing age में रहते हैं. So there might be a damage to their vertebral column or knees. इसीलिए इनका weight घटाना बहुत ज़रूरी है. And this load has been taken off by the Delhi government. मैंने आपको एक बार weight भी बता दी है. Weights याद रखना नहीं है, लेकिन आपको एक idea होना चाहिए, rough idea कि कितना होना चाहिए. First 10 second को कोई homework नहीं मिलेगा, क्योंकि आपसे पूछ सकता है short notes, recent changes जो लिए गए हैं for मतलब स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस. यहाँ पे एक CPCB की न्यूज है. तो CPCB के बारे में बस मैं दो फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहलाता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. और जो न्यू दिल्ली में इस समय जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये सारी चीजें, तो उनको मॉनिटरिंग और उनका सर्विलेंस का जो पावर है वो CPCB के पास है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास है. ओके, नाउ CPCB में दो एक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टू एक्ट्स आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. रिमेंबर दैट, द फर्स्ट एक्ट इज द वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1974. तो 1970 का वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट था. एंड सेकंड एक्ट इज द एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1981.
तो ये दो मैंने आपको ईयर बता दिए, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दीज टू, वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1974 एंड एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1981। तो ये दोनों एक्ट इसी के अंदर आते हैं, सीपीसीबी के अंदर आते हैं, यही दो एक्ट पूछा जाता है हमेशा अमूमन, यही दोनों एक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन में भी। तो सीपीसीबी याद रखेगा क्या है, सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दो एक्ट्स मैंने बताया, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1974 एंड एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1981। और जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का डेटा है वो कौन आपका देखता है, इट हैज दिस इज आल्सो टेकन केयर ऑफ बाय सीपीसीबी, दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ओनली। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको याद रखेगा। नाउ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस नाउ, क्या न्यूज आई है देख लेते हैं। लेट मी टर्न ऑफ दैट थिंग फॉर फर्स्ट। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेजेस, क्या न्यूज़ आइटम आई है देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि नहीं। सो हाँ, नाउ द न्यूज इज रिगार्डिंग द एवियंस टू द पुलिकट लेक। ओके सो साइक्लोन गज के बाद जो एवियंस है, जो बर्ड स्पीशीज है, माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज है, वो पुलिकट लेक में आना फिर से शुरू हो गई है। सो दिस इज अ थिंग दैट इज हैपनिंग, पुलिकट लेक में एवियन स्पीशीज आना शुरू हो गई। नाउ पुलिकट लेक के बारे में आपको बता देता हूँ, पुलिकट लेक इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन द कंट्री। पुलिकट लेक इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन द कंट्री, ये याद रखिएगा। एंड फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट आपकी चिलिका लेक है। ओके तो फर्स्ट इज द चिलिका लेक। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो आंध्र प्रदेश रीजन में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, दैट इज रोपिंग इन द कोयम्बटूर बेस्ड सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी। ओके तो सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो बर्ड से रिलेटेड होंगे, सो बर्ड्स की स्टडी करते हैं वो ऑर्निथोलॉजिस्ट कहलाते हैं, रिमेंबर दैट। एंड सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी को ही सैकॉन बोलते हैं, SACON। तो अगर आपसे कोई पूछे सैकॉन क्या है, वॉट इज सैकॉन, तो याद रखिएगा इट इज रिलेटेड टू द बर्ड्स, इट इज रिलेटेड टू द ऑर्निथोलॉजिस्ट। ओके तो ये याद रखेगा। एंड पुलिकट लेक, पुलिकट बर्ड सेंचुरी है, ये आपकी नेल्लूर आंध्र प्रदेश में है, तो दैट इज द फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर, पुलिकट बर्ड सेंचुरी, इट इज इन नेल्लूर। ओके नेल्लूर आंध्र प्रदेश, तो ये भी एक लोकेशन है, जरूर इसको याद रखेगा। एंड वहाँ पे साइक्लोन गज के बाद काफ़ी ज़्यादा एवियन स्पीशीज का आना शुरू हो गया है, तो अब उसके वो पूरा जो वेटलैंड एरिया है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, और ज़्यादा उसको एवियन फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन द गाइडलाइंस फॉर क्रीश फैसिलिटी एट द वर्क प्लेसेस। नाउ क्रीश फैसिलिटी आप सबको पता है क्या होना, जैसे जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, कुछ ऐसी एम्प्लॉयज रहते हैं जो वुमेन एम्प्लॉयज रहती हैं, जो महिला एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्रीश फैसिलिटी बनाई जाती है, ताकि अगर उनका कोई छोटा बच्चा है तो जब वो ऑफिस आवर्स के टाइम में वो बच्चे को वहाँ पर क्रीश में डाल दें, ताकि उसकी देखभाल होती रहे। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड द गाइडलाइन फॉर सेटिंग अप क्रीश एज अ वर्क प्लेसेस। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नए मैटरनिटी बेनिफिट प्लान्स थे, जो मैटरनिटी बेनिफिट मिले थे रिसेंटली, दैट इंक्रीज द मैटरनिटी बेनिफिट्स फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक्स। जो लीव थी वो बढ़ा दी गई थी 12 हफ्तों से 26 हफ्तों के तक। ओके एंड दैट वॉज एप्लीकेबल टू ऑल द इंस्टीट्यूशंस विद 10 और मोर एम्प्लॉयज। याद रखिएगा 10 और मोर एम्प्लॉयज जहां पे भी होंगे वहां 12 से बढ़ा करके 26 हफ्तों तक की छुट्टी प्रोवाइड करने की शुरुआत कर दी गई है। नाउ इट ऑल्सो मेक्स अ नेसेसरी मैंडेटरी कंडीशन दैट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मोर देन 50 इंप्लॉयज देयर शुड बी अ क्रीज फैसिलिटी। तो ये डिफरेंस याद रखेगा कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है जो 12 हफ्तों से 26 हफ्तों का है वो उनको मिला है जहां पे 10 से ज्यादा वर्कर है, और क्रीज फैसिलिटी वाला सिस्टम वहां मिला है जहां पे 50 से ज्यादा इंप्लॉयज हैं। ओके तो याद रखेगा, दिस इज अ मेजर डिफरेंस, यू शुड रिमेंबर दिस। ओके नाउ अब क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर आए हैं, कि देयर दैट इट शुड बी ओपन फॉर एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स, कम से कम 8 से 10 घंटे इसको खुला रहना पड़ेगा, और जहाँ पे शिफ्ट होती है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। देन द क्रीज शुड हैव एटलीस्ट 1 गार्ड, एक गार्ड होना चाहिए जिसको पुलिस वेरिफिकेशन करना जरूरी है। देन देयर शुड बी एटलीस्ट 1 सुपरवाइजर पर क्रीज एंड अ ट्रेंड वर्कर फॉर एवरी टेन चिल्ड्रन। ओके तो एक वर्कर चाहिए ट्रेंड फॉर एवरी 10 चिल्ड्रन अप टू 3 ईयर्स ऑफ एज, और अगर 3 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं तो 20 बच्चों पर एक हेल्पर चाहिए। ओके सो दीज आर द ट्रेंड
ट्रेंड वर्कर्स की कंडीशन क्या क्या है. नाउ द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रिकमेंडेड दैट नो आउटसाइडर सच एज प्लम्बर ड्राइवर इलेक्ट्रीशियन आर अलाउड इन साइड द क्रीश फैसिलिटी वेयर चिल्ड्रन आर प्रेजेंट. ओके, तो बाहर से कोई आदमी यहाँ पे अंदर नहीं आना चाहिए. ओके, एंड द क्रीश स्टाफ शुड बी पेड एटलीस्ट मिनिमम वेजेस. तो मिनिमम वेजेस उसको पे करना जरूरी है. ऐसा नहीं कि आप कहीं से रेडी के मजदूरों को उठा के ले आ लें और वहाँ पे लगा दें. तो दैट शुड नॉट हैपन. ओके, दे शुड बी ट्रेंड प्रोफेशनल्स प्लस दे शुड बी पेड एटलीस्ट द मिनिमम वेजेस. तो दिस इज देयर. एंड क्या कोशिश की गई कि सेफ भी रहे और जो माएँ हैं, जो बच्चे, जो महिलाएं हैं, वो अपना काम भी ना छोड़ें, उनका काम भी इफेक्ट ना हो और वो भी आराम से काम करती रहें. सो दीज आर द थॉट्स बिफोर दिस. नाउ रैमफोसा टू बी द रिपब्लिक डे गेस्ट. याद रखिएगा, सिरिल रैमफोसा ही इज द ही हैज़ बीन इन्वाइटेड. एंड ये अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट हैं सिरिल रैमफोसा. एंड रिसेंटली G20 का जो मीटिंग हुआ था ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई और वहाँ से इनको पकड़ के लाया जा रहा है. तो 26 जनवरी 2019 में ये आएंगे, 26 जनवरी के ये गेस्ट रहेंगे सिरिल रैमफोसा. और वही ईयर है जबकि हम 150th बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी की मनाएंगे. तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है. इनकी खुशी दिख रही है आपको, इनके चेहरे पे दिख रही होगी. द हैप्पीनेस इज बीइंग शोन ऑन हिज फेस ओनली. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस. क्या न्यूज है? और सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लाइंड टू रिव्यू द NJAC जजमेंट. तो NJAC आपको पता है 2015 में ये जजमेंट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था. ओके, और इसको जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की गई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की बात की गई थी और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, एक वर्डिक्ट में. बट नाउ एक PIL हुई कि रिव्यू पिटिशन डाली गई थी और उसको मना कर दिया गया है देखने से. तो यह याद रखेगा कि इसको मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब वो उसको इंटरटेन नहीं करेंगे. नाउ इंडिया पाकिस्तान एंड टाइज बियॉन्ड करतारपुर. तो रिसेंटली करतारपुर कॉरिडोर जो कि उसके जो फाउंडेशन रखी गई है, उससे कैसे हमारे और पाकिस्तान के बीच के रिलेशन इम्पैक्ट होंगे एंड वॉट लाइज अहेड इन द फ्यूचर, ये सारा डिस्कशन इसमें हुआ है. तो वाई डज इट मैटर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्यों मैटर करता है करतारपुर कॉरिडोर. तो करतारपुर कॉरिडोर सबसे पहले इसलिए मैटर करता है बिकॉज इट हैज़ बीन वेरी फास्ट. इट हैज़ बीन वेरी फास्ट. इसके पहले के जितने भी स्टेप्स थे वो बहुत स्लोली मूव कर रहे थे और देर वॉज ग्लेशियल पेस. पहले अर्लियर देर वॉज अ ग्लेशियल पेस, बट नाउ जो ये है इस करतारपुर कॉरिडोर के लिए जो स्पीड दिखाई है दोनों गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने, तो वो बहुत ही कमेंडेबल है. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग वाई इट मैटर्स. ओके, एंड व्हाट लाइज अहेड, क्यों ये इंपॉर्टेंट है करतारपुर एंड इसके आगे क्या. द प्रोजेक्ट इज यूनिक फॉर सेवरल reasons. मैं इसको थोड़ा रीड करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. ह्यूमन कॉरिडोर्स ऑफ दिस सॉर्ट आर नॉर्मली यूज्ड फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस. ओके, फॉर एग्जांपल रेफ्यूजी फ्लीइंग द वॉयलेंस और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स. उस लेवल का ये काम किया गया है कि जो इमरजेंसी सिचुएशंस में किया जाता है वो आज इन्होंने नॉर्मल सिचुएशंस में कर दिया. सो फर्स्ट थिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है. ओके, और सेकेंडली द कॉरिडोर विल कम अप एट अ टाइम व्हेन फ्यू एवेन्यूज फॉर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस एग्जिस्ट. जबकि बहुत कम चीजें हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को अच्छी कर रही हैं, उस समय पर यह चीज हमको मिली है. दैट इज द रीजन वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट दिस टाइम बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को अच्छा बना रही हैं. सो उस समय ऐसा चीज होना, कुछ ऐसा करतारपुर कॉरिडोर टाइप का चीज होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में. ओके, एंड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स जो हमारी पीस टॉक्स थी, जो ऑफिशियल डायलॉग्स थे, वो भी बिल्कुल बंद चल रहे थे. प्लस उसके बाद हमने देखा कि एक्टर्स, आर्टिस्ट, ऑथर्स और एकेडमिशियंस, मीडिया, म्यूजिशियंस, इन सब का भी बहुत बैन कर रही थी इंडिया. भी इंडिया वाले भी बोल रहे थे आप पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान वाले तो वैसे भी नहीं आने देते, रिलीज नहीं होने देते मूवीज़. तो ये सारे एवेन्यूज भी बंद थे. एंड एट दैट मोमेंट रिलीजन ने वहाँ पे, जैसे सिख और हिंदूज की जो श्राइन्स है, जैसे पाकिस्तान में जो सिख और हिंदूज के लिए श्राइन्स है और सूफीज के लिए जो श्राइन इंडिया में है, वो ओपन होना बड़ी बात है और वो हो सकता है रिलेशंस को एक फाउंडेशन, एक स्ट्रांग फाउंडेशन प्रोवाइड करे. सो दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग. एंड ये वीजा फ्री रहेगा तो ये अपने आप में और बहुत बड़ी बात है कि दिस शोज अ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ओवर द पाकिस्तानीज एंड ओवर द इंडियंस. ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है. दोनों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और दोनों को ट्रस्ट भी होगा. एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम किसी कंट्री के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं. सो रिमेंबर ऑलवेज दैट वेन एवर समवन आस्क्स यू दैट हाउ कैन वी इंप्रूव द रिलेशन विद दिस कंट्री, योर आंसर मस्ट कंटेन अ टर्म पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट. लोगों के कॉन्टैक्ट जब एक दूसरे से बढ़ेंगे तो एक जो ट्रस्ट है वो बढ़ेगा, एक जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ेगी. उसके बाद ही हम, जैसे देखो अभी भी बहुत सारे लोग इंडिया में सोचते हैं कि पाकिस्तान के हर व्यक्ति खराब है, हर आदमी खराब है, बट ऐसा नहीं है.
यू ऑल मस्ट बी अग्रीइंग टू दैट कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सब बेकार है, सब बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तानीज भी यही सोचते हैं हमारे लिए कि वो सब बेकार है, बट ऐसा नहीं है कि इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं। सो ये अच्छाई कैसे उनको पता चलेगी? ये तब पता चलेगी जब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होगा, जब लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा, एक दूसरे से मिलेंगे, तब ना समझेंगे। ओके, मेरे और आपके कहने से तो नहीं समझेंगे। सो दैट इज द नीड ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ओके, एंड जो ये करतारपुर कॉरिडोर है, इट इज़ नोन एज द कॉरिडोर ऑफ पीस। इसको कॉरिडोर ऑफ पीस कहा जा रहा है। सो दैट इज़ द थिंग ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू दिस। ओके, सो हो सकता है कि एक अच्छी फाउंडेशन रखे पीस के लिए और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा ऐसे एवेन्यूज खुले जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन और अच्छे हों। ओके, नाउ टाइगर्स नंबर्स ऑन द राइज। तो मेजरली एक रिपोर्ट आई है, एक स्टडी की गई है प्लॉस वन नाम से, याद रखिएगा इट इज़ प्लॉस वन। अगर आपसे कोई प्लॉस वन पूछे तो याद रखिएगा इट इज़ रिलेटेड टू टाइगर स्टडी, टाइगर्स के बारे में है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में आठ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे, इंडिया में आठ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे 30 से 50 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सकता है टाइगर्स का नंबर। तो वो साइट्स बता देता हूँ, अन्नामलाई वजाचल इन तमिलनाडु केरला, देन सत्यमंगलम इन तमिलनाडु, देन बालाघाट इन मध्य प्रदेश, अचानक मार इन छत्तीसगढ़, देन राजाजी एंड नंधौर इन उत्तराखंड। ये याद रखेगा दोनों साइड्स, राजाजी एंड नंधौर इन उत्तराखंड, देन मानस असम के अक्रॉस एंड वाल्मीकि अक्रॉस बिहार एंड नेपाल। ओके, तो ये साइट्स हैं आठ जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर्स के नंबर इंक्रीज करने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसा स्टडी प्लॉस वन नाम की स्टडी में कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा प्लॉस वन स्टडी किससे रिलेटेड है? टाइगर से रिलेटेड है। देन टाइगर रेंज कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो देर आर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। दीज आर द 13 कंट्रीज हु आर द टाइगर रेंज कंट्रीज। तो इनके नाम जरूर याद रखेगा। इस बार आई एम थिंकिंग दैट कि 2019 का जो प्रीलिम्स होगा उसमें जरूर ये पूछा जाएगा कि टाइगर रेंज कंट्रीज कौन कौन सी हैं। लेट मी रिपीट, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम। ओके, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम याद रखिएगा, चाइना याद रखिएगा, इंडिया तो याद ही रहेगा, बांग्लादेश याद रहेगा, वैसे ही फेमस है, देन लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा किसी तरीके से। तो टाइगर रेंज कंट्रीज बता दी। उसी में एक और चीज़ थी यार, वही बता देता हूँ। उसमें एक चीज़ मैंने और लिखी है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो WWF जो है वो एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, विच वॉज फाउंडेड इन 1961। ओके, तो 1961 को ये बनाई गई थी, एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर कहलाती है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं किसी गवर्नमेंट की है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इट इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वाइल्डनेस प्रिजर्वेशन एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इंपैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इन्वायरमेंट को घटाना है, वाइल्ड लाइफ का प्रिजर्वेशन करना है, 1961 में बना था, एंड ये सारे फैक्ट्स याद रखेगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। कीपिंग द विजिल, कीपिंग द विजिल बेसिकली ये है कि जब साइक्लोन गज आया तो अब एक हेल्थ रेजिलिएंट सिस्टम चाहिए। हेल्थ रेजिलिएंट सिस्टम मेक्स ऑल द डिफरेंस आफ्टर अ डिजास्टर। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली गई है, मैं आपको कुछ इसमें केस स्टडीज भी बताऊंगा और बहुत सारे पॉइंट्स भी बताऊंगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विलेंस? देखो, इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जब भी कोई साइक्लोन आता है या कोई सपोज कोई भी ऐसा डिजास्टर आता है, हैजर्ड कंडीशन आती है, आफ्टर दैट सर्विलेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर्विलेंस इज नीडेड, मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप मिटिगेशन में लगे हुए हो, आप रिहेबिलिटेशन में लगे हुए, बट एक सर्विलेंस जरूरी है। क्यों? बिकॉज देर हैव बीन इंस्टेंसेज ऑफ डिजीज आउटब्रेक्स। तो क्या होता है कि एक तो आपको पहले उस डिजास्टर से जूझना पड़ता है, उस नेचुरल हैजर्ड से जूझना पड़ता है। आफ्टर दैट देर हैज बीन इंस्टेंसेस ऑफ डिसीज आउटब्रेक्स एज वेल। नाउ डिसीज आउटब्रेक्स का एक केस स्टडी है, जैसे कि कॉलेरा आउटब्रेक हुआ था आफ्टर द 2010 अर्थक्वेक इन हैती। हैती में 2010 में जब अर्थक्वेक आया उसके बाद कॉलेरा आउटब्रेक हो गया। देन इंडिया में ही उड़ीसा में 1999 में साइक्लोन के बाद लेप्टोस्पायरोसिस इन उड़ीसा इन 1999 आफ्टर साइक्लोन। ये आउटबस्ट कंडीशंस हुई हैं, जबकि मतलब इन डिसीज आउटब्रेक्स में और ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। तो दिस इज द थिंग दैट हैपेंस। नाउ फॉर पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड सैनिटेशन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स।
सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए आफ्टर द डिजास्टर्स, देन आफ्टर द डिजास्टर्स सेफ फूड मिलना चाहिए एंड सेफ सैनिटेशन एंड हाइजीनिक कंडीशंस मिलनी चाहिए. दीज आर द थ्री थिंग्स दैट शुड बी द टॉप मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स. ये उनके टॉप चार्ट में होना चाहिए, टॉप थ्री चीजों में होना चाहिए कि इनको सेफ वाटर प्रोवाइड करना है, सेफ फूड प्रोवाइड करना है एंड सेफ सैनिटेशन एंड हाइजीनिक कंडीशंस प्रोवाइड करनी है. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट हेल्थ सर्विसेज आर मेंटेन्ड इन आफ्टरमैथ ऑफ अ डिजास्टर. क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने जैसा बताया कि अगर आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो हो सकता है देयर आर रिस्क्स दैट देयर कैन बी अ डिजीज आउटब्रेक, और एक डिजीज आउटब्रेक वहां पे हो जाए. ओके, नाउ सैनिटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. सैनिटेशन एट दीज टेम्पररी शेल्टर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इज वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी एरियाज. एकोमोडेशन ऐसा होना चाहिए जहां पे रिलीफ मिले, जहां पे सैनिटेशन कंडीशंस रहे, जहां पे हाइजीनिक कंडीशंस रहे, ये सारी चीजें वहां पे मेक श्योर होनी चाहिए. And the threat of water and vector-borne diseases looms large in the events of floods and cyclones. तो जैसे ऐसी conditions होती है ना floods और cyclones की, तो ये water-borne and vector-borne diseases का जो loom है, जो risk है, वो ज़्यादा होने लगता है. okay? जैसे कि water अगर flood है तो आपको वहाँ पे मॉस्किटोज के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे. स्टैगनेंट वाटर में मॉस्किटोज के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको मलेरिया और इस तरह की जो पैरासिटिक डिसीजेज हैं जो प्लाज्मोडियम के कारण होती है, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी. देन उसी समय वाटर की कारण ही कॉलेरा भी होता है. आपको पता नहीं कि वाटर कारण कॉलेरा भी होता है, तो इस तरह की चीज़ें बनती है. एंड द कॉमनेस्ट डिसीजेज इन अ पोस्ट फ्लड सिचुएशन आर कॉलेरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस एंड लेप्टोस्पायरोसिस. तो ये सारी डिसीजेज जो कि कॉमन होती हैं, इसी कारण से क्या है जरूरी, देयर इज अ नीड फॉर प्रॉपर हेल्थ कंडीशन, प्रॉपर हाइजीनिक सैनिटेशन कंडीशन, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल एंड प्रॉपर फूड शुड बी अवेलेबल. ओके, एंड एक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लान बनाने की जरूरत है. एंड आप सबको पता है कि देर हैज़ बीन अ फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क, जो कि 2015 से 2030 तक के लिए काम करेगा. डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क जिसको हम बोलते हैं, एंड इट वर्क्स फॉर 2015 टू 2030. तो उसके अंदर हमको इसको भी लाना चाहिए. ओके, एंड वी शुड ऑल्सो इंक्लूड दिस, जो कि ये सैनिटेशन, हेल्थ और ये सारी चीज़ें ना, ये उसके अंदर भी हमको इंक्लूड करनी चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि ये आफ्टर द केस ऑफ एनी हैजर्ड और डिजास्टर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं. ओके, तो ये याद रखिएगा, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड इसके बाद यहाँ पे अभी कोई न्यूज़ नहीं है, लेट्स मूव टू द सेकेंड न्यूज़पेपर. अब हम दूसरे न्यूज़पेपर में मूव कर जाते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड न्यूज़पेपर. नाउ दिस इज अब द फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग टीम इंडस, टीम इंडस के बारे में है. सो लेट्स सी कि क्या फैक्ट्स है. सो बेसिकली टीम इंडस हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड बाय नासा टू पोटेंशियली फ्लाई साइंटिफिक एंड कमर्शियल कार्गो इन द मून ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स. तो नासा ने शॉर्टलिस्ट किया है टीम इंडस को टू पोटेंशियली फ्लाई साइंटिफिक एंड कमर्शियल कार्गो टू द मून, साइंटिफिक एंड कमर्शियल कार्गो मून तक ले जाने के लिए फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स. इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है. ओके, एंड इट इज़ द ओनली इंडियन कंपनी टू बी अ पार्ट ऑफ नासा लूनर प्रोग्राम. याद रखिएगा, नासा के लूनर प्रोग्राम का केवल एकमात्र कंपनी ऐसी इंडिया की जो कि पार्ट है, एंड दैट इज टीम इंडस. ओके, एंड इट विल बी डूइंग द लैंडर इंजीनियरिंग देयर. देन टीम इंडस वॉज फाउंडेड बाय राहुल नारायण अराउंड 2011, एंड ये अभी रिसेंटली गूगल का लूनार एक्स प्राइज आया था, लूनार एक्स प्राइज आया था, तो इट वॉज कम्पीटिंग फॉर दैट ऑल्सो. ओके, सो दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग टीम इंडस. नाउ H-1B के वीज़ा रूल्स को थोड़ा चेंज किया गया है. US प्लान कर रहा है टू चेंज दीज रूल्स. एंड वॉट इज़ द चेंज, बेसिकली दिस चेंज विल हेल्प दोज हु आर हैविंग एडवांस्ड डिग्रीज फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इन अमेरिका. तो इट विल अलाउ द US एम्प्लॉयर्स टू टेम्पोरली इम्प्लॉय फॉरन वर्कर्स इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन. पहला जो चेंज है वो ये है कि US एम्प्लॉयर्स क्या कर सकते हैं, टेम्पोरली इम्प्लॉय कर सकते हैं फॉरन वर्कर्स को इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन. देन लॉज लिमिट द नंबर ऑफ H-1B वीजाज गिवन एवरी ईयर. इन लॉज के अंदर कुछ लिमिट भी सेट की जाएगी, जो H-1B वीजाज दिए जाते हैं एक साल में उनको दिए जाते हैं. ओके, तो H-1B वीजा क्या है याद रखिएगा, पहले H-1B वीजा क्या है, एक ऐसा वीजा जो कि अलाउ करता है US एम्प्लॉयर्स को फॉरन वर्कर्स को इंप्लॉय करने के लिए. याद रखिएगा, दिस इज द डेफिनेशन. H-1B वीजा की डेफिनेशन क्या है, ऐसा वीजा जो कि अलाउ करता है US के एम्प्लॉयर्स को बाहर के वर्कर्स को इंप्लॉय करने के लिए. देन लॉ क्या है, लॉ ये है कि जो नया चेंज आ रहा है कि लिमिट करेगा H-1B वीजाज को जो कि दिए जाएंगे. देन US गवर्नमेंट उन
लोगों को ज़्यादा ये वीज़ा प्रोवाइड करेगा जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी से एडवांस डिग्रीज ले रहे हैं। तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी से अगर आप एडवांस डिग्री ले रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एडवांटेज है और आपको ये बहुत इजीली मिल जाएगा। सो दैट इज़ द थिंग दैट इज़ हैपनिंग। और इंडिया के आपको पता है कि 74% लोग हैं वहाँ पे, ओके 74% ऑफ द H1B वीज़ा जो पिटिशन होते हैं वो इंडियंस ही फाइल करते हैं। तो यहाँ पे हमको शायद थोड़ा बहुत हेल्प भी मिल सकती है अगर हम एडवांस डिग्री वहाँ से ले रहे हैं। नाउ द फेट ऑफ प्लास्टिक्स इन आवर सिटीज़, नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फेट ऑफ प्लास्टिक्स इन आवर सिटीज़। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड इसको देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट थिंग, ड्राई वेस्ट क्या होता है, वॉट इज ड्राई वेस्ट? ड्राई वेस्ट इज द वेस्ट दैट इजेंट बायोडिग्रेडेबल। ऐसा वेस्ट जो कि बायोडिग्रेडेबल ना हो वो ड्राई वेस्ट कहलाता है। दिस इज द थिंग फर्स्ट याद रखेगा, ड्राई वेस्ट क्या है? ड्राई वेस्ट ऐसा वेस्ट है विच इजेंट बायोडिग्रेडेबल। ओके, नाउ ड्राई वेस्ट को आपको पहले सेग्रीगेट करना चाहिए। दिस इज वॉट द ऑथर इज सेइंग। इसमें जो कहा गया है कि देयर शुड बी प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एट सोर्स। एंड ये मैंडेटरी बनाया गया है 2016 से, बट इट इज स्टिल नॉट हैपनिंग। स्टिल द कलेक्शन इज देयर, कलेक्शन तो हो रहा है बट सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको डाटा दिखा देता हूँ, भोपाल में 100% कलेक्शन होता है बट द सेग्रीगेशन इज 0%। देन तिरुनावेली एकमात्र ऐसी जगह जहाँ पे 100% कलेक्शन है, 100% सेग्रीगेशन होता है। अलापूजा में 76% होता है। अहमदाबाद में कोई सेग्रीगेशन नहीं होता, कलेक्शन में 95% ही होता है। पणजी में 90% सेग्रीगेशन होता है। देन मैसूरू 55%, बट वारंगल में 0, इंदौर में 53%, मुंबई, चेन्नई एंड हैदराबाद जो कि टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स होंगे और वहाँ पर बिल्कुल भी आपका सेग्रीगेशन नहीं होता। दिल्ली में बिल्कुल सेग्रीगेशन नहीं होता, पुणे में केवल 52%, सूरत में केवल 12% और कलेक्शन में केवल 60% का होता है। सो सेग्रीगेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राई वेस्ट का, क्योंकि तभी आप उसको रिसाइकल कर सकते हो। अगर वो सेग्रीगेटेड नहीं रहेगा देन हाउ कैन यू रिसाइकल? अगर आप जो ड्राई वेस्ट आपका निकल रहा है उसको अगर आप ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ नहीं सेग्रीगेट कर रहे हो तो दोनों मिक्स रहेंगे और दोनों की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड दैट विल नॉट बी एबल टू बी रिसाइकल्ड। देयरफॉर वी नीड टू हैव सेग्रीगेशन। इस सेग्रीगेशन के लिए आपको दो डस्टबिन दिख रहे होंगे। फर्स्ट वन इज अ ग्रीन डस्टबिन जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है एंड सेकेंड वन इज अ ब्लू डस्टबिन विच इज फॉर द ड्राई और रिसाइकलेबल वेस्ट। ड्राई जो होता है वो डिग्रेडेबल नहीं होता, इसलिए वो रिसाइकल कर सकते हैं आप। ओके, ये याद रखिएगा। नाउ क्या रिसाइकल हो सकता है? रिसाइकल होने की सबसे पहली जो कंडीशन है वो है सेग्रीगेट होना। अगर सेग्रीगेट कर दिया तो वो रिसाइकल हो जाएगा। अब क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि वाटर बॉटल, पैकेजिंग फॉर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ग्रॉसरी बैग्स, जार, बॉटल्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, दीज कैन बी रिसाइकल्ड। एंड इनमें से एक फैक्ट है कि 80% ऑफ द टोटल प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन अ ईयर इन इंडिया इज नॉट रिसाइकल्ड। इंडिया में 80% वेस्ट रिसाइकल नहीं होता है। एंड आप सबको पता है कि अगर हम क्लीन एनवायरनमेंट चाहते हैं तो 3 R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, जो कि जरूरत पड़ती है हमको। एंड उसमें से अगर रिसाइकल 80% वेस्ट का नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स कितना ज़्यादा वेस्ट सेग्रीगेट नहीं है एंड कितना ज़्यादा वेस्ट पूरा एक्यूमुलेट किया जा रहा है। सो दैट इज द थिंग। कुछ नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट भी होते हैं जैसे कि थर्मोसेट्स, थर्मोकॉल, पॉलिस्टरीन, PVC, मल्टीलेयर प्लास्टिक, ये नॉन रिसाइकलेबल होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, रिसाइकल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि या तो ये रिसाइकलेबल ही नहीं है या फिर ये टू एक्सपेंसिव टू रिसाइकल है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है इनको रिसाइकल करना। सो दीज आर द थिंग्स। एंड यहाँ पे लास्ट में ऑथर ने बोला है कि सेग्रीगेशन के लिए अ ग्रेटर सिविक अवेयरनेस इज अ मस्ट। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। एंड म्यूनिसिपैलिटीज मस्ट ऑल्सो सेटअप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नोटिफाई देयर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी अंडर द 2016 रूल्स। 2016 के अंदर जो रूल्स आए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, उनको नोटिफाई करना चाहिए प्लस प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब हर जगह डस्टबिन होने चाहिए, ग्रीन डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन, लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर है क्या। देन देर इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो प्रोड्यूसर है उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेग्रीगेट करे। द प्रोड्यूसर्स आर required within 6 months to set up infrastructure to recycle the items they manufacture. Okay, तो जो producer है उनको ये बोला गया कि 6 महीने के अंदर आप setup करें infrastructure to recycle the items also. But that has also not taken care of. तो ये सारी चीज़ें हमको ज़रूरी कि make sure करें कि ये जो rules आए 2016 में वो अच्छे से follow किए जाएँ। नौ, एक येलो वेस्ट प्रोटेस्टर्स की बात की जा रही है। तो येलो वेस्ट प्रोटेस्टर अगर आपसे पूछे कोई या येलो वेस्ट मूवमेंट कोई पूछे कि कहाँ है, तो येलो वेस्ट मूवमेंट जो हुआ था ये बेसिकली फ्रांस में हुआ है एंड इट्स अ स्पॉन्टेनियस ग्रास रूट रेबेलियन विच इज अगेंस्ट द प्राइस राइज।
प्राइस राइज के अगेंस्ट और टैक्स बढ़ाने के अगेंस्ट ये येलो वेस्ट मूवमेंट हुआ है। एंड ये कहाँ हुआ है? ये फ्रांस में हुआ है, याद रखेगा इसको, येलो वेस्ट मूवमेंट कहते हैं इसको। एंड द इमीडिएट ट्रिगर क्या था इस मूवमेंट का? ये था मैक्रॉन ने डिसीजन लिया था टू रेज द टैक्स ऑन डीजल फ्यूल। डीजल फ्यूल का टैक्स बढ़ा दिया गया था विच वॉज देयर टू इनकरेज द ड्राइविंग ऑफ लेस पोल्यूटिंग कार्स। इसलिए जब प्राइसेस बढ़ी उसके कारण ये येलो वेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। येलो वेस्ट मूवमेंट फ्रांस में स्टार्ट हुआ है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है येलो वेस्ट मूवमेंट। ओके, नॉर्थ जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश के बारे में आया क्योंकि आपको पता है उनकी डेथ हो गई है। तो जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश वॉज द 41st प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, 41st प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। एंड ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फ्रॉम 1988 टू 1992, 88 से 92 के बीच में थे। एंड हिज टेन्योर वॉज द वन विच सॉ द यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटिंग। तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन उन्हीं के टाइम में हुआ। देन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है विच वॉज पॉपुलरली नोन एज द फर्स्ट गल्फ वॉर। याद रखिएगा, फर्स्ट गल्फ वॉर वॉज सक्सेसफुल यूएस लेड रिस्पॉन्स टू द इराक अटेम्प्ट टू ओवरवेलम कुवैत इन 1990। इराक ने कुवैत को टॉपल करने के लिए अटैक किया था, इराक ने सद्दाम हुसैन की जो गवर्नमेंट थी उसने अटैक किया था। एंड यूएसए ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लगाया था उस समय। सो याद रखिएगा, इसके भी जनक जो थे वो एच डब्ल्यू बुश ही थे। तो दो मेजर इवेंट हुए थे एच डब्ल्यू बुश के टाइम पे, एक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, एक ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, याद रखना आपको। ओके, नाउ एक छोटा सा फैक्ट छुपा हुआ यहां पर था, भिवंडी इज अ मुंबई सबब, मुंबई सबब में प्लेस है भिवंडी एंड इट वॉज वंस फेमस एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो भिवंडी जो मुंबई में है इसको एक समय ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाता था। एंड दीज पिक्चर्स हाईलाइट द क्लोजिंग पावर लूम्स, जो पावर लूम्स हैं वो भिवंडी के क्लोज हो रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब ये पावर लूम बंद होते जा रहे हैं, आपको ये फोटोज दिख रही होंगी। तो दीज आर द फोटोज ऑफ क्लोजिंग पावर लूम्स बिकॉज ऑफ द हायर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन भिवंडी। एंड भिवंडी मैंने बताया आपको कि मुंबई एक सबर्ब में एक जगह है जो कि पहले मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से फेमस थी। नाउ हम चेंग काइजिया की बात करते हैं। चेंग काइजिया वॉज द फादर ऑफ चाइनीज अटोमिक आर्सेनल। याद रखिएगा, चाइना का जो अटोमिक प्रोग्राम था उसको स्टार्ट किया था चेंग काइजिया ने एंड 1964 में इसकी स्टार्ट हुई थी। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें तो उसके फादर जो हैं वो है होमी जहांगीर भाभा, एच जे भाभा। ओके, सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस ऑल्सो, अगले पेजेस में कोई न्यूज है या नहीं देख लेते हैं। सो चाइनीज स्नीज कुड गिव यूरोप अ नास्टी फ्लू, ऐसा बोला जाता है ना, जैसे अभी रिसेंटली ट्रेड वॉर चल रहा है तो यूएसए एंड चाइना आर अंडरगोइंग अ ट्रेड वॉर एंड इफ दिस ट्रेड वॉर गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फुल ब्लोन सीनो यूएस ट्रेड वॉर, अगर ये फुल ब्लोन हो जाता है, अगर हर तरीके से शुरू कर देते हैं तो जो यूरोपियन कंपनीज हैं, जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगी। इसीलिए ये बोला जा रहा है कि चाइनीज स्नीज, अगर चाइना को कोई दिक्कत हुई तो उसका पूरा इंपैक्ट जो है वो सीधे सीधे आपके यूरोपियन मार्केट्स में पड़ेगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग एंड यूरोपियन मार्केट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रबल फेस कर रहे हैं और अगर ये दो सुपर पावर, इन दोनों का जो ट्रेड वॉर है यूएसए और चाइना का, ये और वर्स होता है तो दोनों पे ही डिपेंडेंट है यूरोप एंड उनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा एंड दे विल फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल बिकॉज ऑफ दैट। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड I think it is completed now. Yes, that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe. And keep loving us, keep sharing us. And thank you and have a nice day.